बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मेरा नाम है सलामदीन यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज मैंने वीडियो जो पहले तैयार की है, पार्ट वन जो तैयार किया है, वो है होंडा सिटी 2022 मॉडल। आज उसी गाड़ी का 2022 मॉडल होंडा सिटी का जो है मैं पार्ट टू तैयार कर रहा हूँ, जिसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। पहले जो मालूम आप लोगों को फराहम की वो गाड़ी के बारे में की कि जो नया ड्राइवर आता है उसको क्या करना चाहिए, गाड़ी सीखने के लिए उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। आज उसके बारे में मैं आपको पार्ट टू तैयार कर रहा हूँ, जिसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि जब ड्राइवर सुबह आता है उसने मसलन ऑयल वगैरह चेक कर लिया, अपना गाड़ी का राउंड लगा लिया, उसके बाद उसको क्या करना है। क्लच ब्रेक का आप लोगों को बता दिया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब ड्राइवर को पार्ट टू में क्या करना है। देखिए ये इसका डोर है, ये इसका चाबी, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये इसका चाबी है, कि इस पे तीन निशान है। इसको आप लॉक ओपन करेंगे, लॉक ओपन करने के बाद ये देखिए इस तरह जैसे डोर खोल लिया, डोर खोल कर ये दरवाजा खोलने के बाद आप क्या है कि अंदर बैठेगा। ये देखिए जब ड्राइवर अंदर बैठेगा तो ड्राइवर को कम से कम भी जो है वो मालूमात होनी चाहिए कि इसके फंक्शन जो है वो क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या चीज है, कैसे है, क्या करना है और किस किस चीज की उसको जरूरत है जो अंदर बैठकर उसने चेक करनी है, उसके बारे में मैं आप लोगों को मालूमात फराहम करूंगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि जो नए ड्राइवर हैं वो बहुत जल्द इंशाल्लाह मेरी वीडियो देखकर ड्राइविंग सीख जाएंगे। उनको कोई भी गाड़ी है, सब गाड़ी के एक फंक्शन है, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा फर्क होएगा, कोई जो है वो इस जगह पे लगे हुए हैं, कोई इस जगह पे लगे हुए हैं, कोई इस जगह पे लगे हुए हैं, यानी जगह चेंज हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर जो मार्कर होते हैं, ये देखिए जो लाइट के ऊपर ये निशान लगे हुए हैं, इनका क्या मकसद है, इन किस लिए है, ये सारा कुछ है। यहाँ पर ये निशान लगे हुए हैं किस लिए है, ये सारा कुछ वही चीज है। आप लोगों को इसके बारे में कोई भी गाड़ी होगी उस पर यही निशान होंगे, हर तरह का यही है, ये इंटरनेशनल निशानात हैं, जो हर जगह में हर गाड़ी के ऊपर वही होते हैं। बताता हूँ, ये देखिए चाबी है, ये इसका स्विच है, यहाँ पर चाबी आपने लगा देनी है, ठीक है जी, चाबी लगा दी। चाबी लगाने के बाद आप लोगों को बताता हूँ, ये साउंड आपको नजर आ रहा है, लेकिन इससे क्या है कि उसका पावर जो है सिर्फ ऑन हुआ, पावर ऑन नहीं हुआ, स्विच ऑन नहीं हुआ, लेकिन चाबी लगाने से सिर्फ पावर मसला आना शुरू हो गया। ये इसका साउंड सिस्टम है, ये जहाँ पर स्टीयरिंग के ऊपर दिया हुआ है, यहाँ से आप इसका चैनल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसका आवाज जो है वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद ये जो है, ये बटन जो दिए हुए हैं, ये इसके जो साइड का साइड मोरल लगा हुआ है, ये जो है एडजस्ट करने के लिए इसके ये बटन दिए हुए हैं, ठीक है जी, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये इसलिए दिए हुए हैं जो साइड घुमाने के लिए होते हैं, ये साइड वाले आप अंदर बैठे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। रीर और लोअर, ये एल और मतलब लेफ्ट साइड के और राइट साइड के दोनों के जो है, और ये शीशे जो है ये एडजस्ट कर सकते हैं, ये नीचे बटन दिया हुआ है एडजस्ट करने के लिए, ठीक है जी, लॉक करने हैं तो यहाँ से हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये इसके मीटर लगे हुए हैं, ये इसका मसला एलसीडी लगा हुआ है, ये इसका एसी का सिस्टम लगा हुआ है, जिसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ से एसी ऑन होता है, ये आपको नजर आ रहे हैं निशान, मैं काफी गाड़ियों में बता चुका हूँ कि ये कूलिंग के निशान होते हैं नीले जो राइट साइड के हैं, ये हीट के निशान होते हैं हीटर के, ठीक है। यहाँ से ये ऑन होता है, एक दो तीन चार पे तक ऑन होता है। यहाँ से ये सिस्टम जो दिया हुआ है, ये ऐसा है कि ड्राइवर के मुंह पे हवा आनी है या पाँव पे और मुंह पे दोनों फेस पे दोनों पे आनी है, यहाँ से खाली पाँव पे आनी है और यहाँ से जो है ये फ्रंट साइड पे हवा आता है, ठीक है जी। ये फ्रंट साइड पे जाली जो लगा हुआ है उसी में हवा आएगा और किधर भी हवा नहीं आएगा। बाकी ये मीटर जो है ये आपको नजर आ गए हैं, ये इसका गियर है। सबसे पहले ड्राइवर को क्या करना है कि क्लच दबा के इसका गियर जो है चेक करना है कि न्यूट्रल है। ये हैंड ब्रेक है, कभी भी गाड़ी खड़ी करनी है तो इसका हैंड ब्रेक ये लाजमी जो है लगाना है। ये देखिए आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये इसके आगे जो है लॉक है, ये लॉक आप ऐसे अंदर दबाएंगे, ये देखिए थोड़ा ऊपर उठाएंगे, ये हैंड ब्रेक इसका खोल दिए, हैंड ब्रेक नीचे करेंगे तो उसके बाद आप गाड़ी जो है रेनिंग कर सकती है, गाड़ी चलाएंगे। अगर आप हैंड ब्रेक नीचे नहीं करेंगे, ऐसे गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी का एकदम लोड बन जाएगा और जो टायर है वो गर्म होकर उसके लेदर जो है वो खत्म हो जाएंगे और टायरों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा और अब ब्रेक जो है आपकी काम करनी छोड़ जाएगी, जो इसके लेदर लगे होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे क्योंकि आपने ये हैंड ब्रेक ऑलरेडी खींची हुई है। ये देखिए जब इसको बंद करना था ऐसे ऊपर उठा दिया, ये हैंड ब्रेक आपकी लग गई है। कहां पर भी आपको गाड़ी खड़ी करनी है, गाड़ी न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी लगानी है, ठीक है जी। हैंड ब्रेक लाजमी करनी है, जब आपने ड्राइविंग करनी है तो हैंड ब्रेक नीचे करनी है। उसके बाद क्या करना है कि ये आपको सीट बेल्ट नजर आ रहा है, ये मस्ट है, आप दुनिया के किसी कोने में भी जाएं ये सीट बेल्ट है, ये सीट बेल्ट यहाँ पर लगाना होता है, ठीक है। ड्राइवर का काम है कि ये सीट बेल्ट लगाने के बगैर गाड़ी ड्राइव नहीं करे, गाड़ी जो है ये जरूरी है, अगर पुलिस वाले आपको पकड़ेंगे वो भी वायलेशन देंगे। बहुत कंट्री ऐसी है कि यहाँ पर ये स्टेरिंग इसके मसले इतनी प्रॉब्लम है कि आप लोग अगर
स्टेरिंग ये बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आपको उसी वक्त वायलेशन दे देंगे। कैमरे लगे हुए हैं, जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत कैमरे लगे हुए हैं जो रोडों के ऊपर, वो आप गाड़ी चला रहे हैं अगर आपने कैमरा नहीं मसलन बेल्ट नहीं लगाया, कुछ चीज खा पी रहे हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आपका वायलेशन आ जाएगा। ठीक है जी, तो पाकिस्तान में भी यही कानून है कि ये नहीं है कि पाकिस्तान में दूसरा कानून है। ये आपको यहाँ पर लगाएंगे, ये देखो ये लाग हो गया, और इसको खोलने के लिए क्या है, ये लाल वाला बटन जो है इसको दबाएंगे नीचे, ये देखो ये खुल गया, लाल वाला बटन दबाएंगे। इसी तरह जो आपके सेकंड सीट में जो भी फ्रंट साइड पे बैठता है, कोई लेडीज बैठती है, कोई बच्चा बैठता है, कोई जेंट्स बैठता है, जो भी बैठेगा, मेन और फीमेल का कुछ नहीं है, जो भी बैठेगा उसका काम है भी सीट बेल्ट इस्तेमाल करना। ठीक है जी, ये देखिए मैंने आपको पहले भी कुछ सीटों का बताया कि उसकी जेस्ट के लिए सारा कुछ है। जैसे आप ये चाबी घुमाएंगे, ये देखिए ये लाइटें इसके अंदर जलनी शुरू हो गई हैं। ये लाइटों का क्या मकसद है, ये आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। ये मीटरों का क्या मकसद है, ये जो आरपीएम का इसका मीटर है, ये जो है इसका स्पीड मीटर है, ये जो है ये इसका किलोमीटर वगैरह और ओवर कितने किलोमीटर चली है, कितने की ओवर मसलन कितने घंटे चली है उसके बारे में। ये नीचे निशान आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों, ये सीट बेल्ट का निशान दिया हुआ है, ये डोर खोला हुआ है, जैसे दरवाजा ओपन होगा यहाँ से ये निशान आ जाएगा, ये बैटरी का निशान है, ये इसके इंजन ऑयल का निशान है, ये आपको नजर आ रहा है, ये हैंड ब्रेक का निशान है कि हैंड ब्रेक लगी हुई है। ये देखिए जैसे इसको सलाम मार दिया, ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अभी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद क्या है कि ये लाइटें आस्ता आस्ता बंद हो जाएंगी। ये देखिए बेल्ट चल रहा है, बेल्ट वाला निशान जो है वो वार्निंग दे रहा है, रेड कलर का आपको नजर आ रहा है। ये देखिए ये मैंने लगा दिया, वो बंद हो गया। अभी इसका डोर ओपन है, वो दरवाजा बंद कर दिया, ये देखिए ये दरवाजे जो है आपके लाग हो गए। ठीक है, अगर आपको ये शीशे ऊपर नीचे करने हैं तो ये बटन दिए हुए हैं। ठीक है, ऑटो ये नजर आ रहे हैं आपको, ये बटन जो है, ये शीशे जो है ऊपर नीचे, ये देखिए शीशा नीचे हो गया, इसी से शीशा ऊपर हो गया, ये इस साइड का है, ये जो है इससे लाग हो जाएगा, सब डोर जो है लाग हो गया। ठीक है जी, ये देखिए इसको दबाएंगे तो लाग हो जाएगा, लाग लाइट जलनी हट जाएगी तो लाइट खुल जाएगी। ये जो है ये हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक जैसे हम छोड़ेंगे, ये देखिए हैंड ब्रेक का निशान खत्म हो गया। ठीक है जी, ये हैंड ब्रेक लगा दें। अभी इसका एसी चालू करना है तो यहां से इसको ऐसे करेंगे। ठीक है जी, ये दो पे एसी इसका चालू हो गया है, यहां से जो है ये देखिए ऑफ का निशान दियो, ऑफ हो गया। ठीक है, अगर घुमा के इसको यहां पर करेंगे तो सिर्फ इसका फैन चलेगा, पंखा चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। ठीक है जी, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, आज की मालूमात के लिए यही बहुत है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई या नहीं, और उसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी किसी चीज की जरूरत हो, मालूमात की जरूरत हो, तो मेरे को लाजमी कमेंट करके बताएं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों की हेल्प करूंगा। और जो भी दोस्त कोई चीज पूछना चाहते हैं कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह जरूर उनके लिए वीडियो तैयार करके दोबारा अपलोड करूंगा उसी चीज की। ठीक है जी, जिसमें उनकी रहनुमाई हो सके, बहुत जल्दी वो ड्राइविंग सीख सके। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।